मेरी समझ ये है जितने ब्राइटेस्ट स्टूडेंट हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड्स उसको यूपीएससी नहीं देना चाहिए, उसको कुछ और काम करना चाहिए। मेरे पीछे आप देख रहे हैं दलित गोलमेज सम्मेलन। आज नैकडोल की तरफ से दिल्ली में बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें दलितों की वर्तमान की परिस्थितियों पर चर्चा चल रही है। आइए लेकर चलता हूँ सीधा, और किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, कौन कौन लोग इस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए हैं, दिखाता हूँ आपको। बट वो अकेला आदमी लड़ रहा है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये कैसा नहीं है कि वो प्रोफेसर साहब का एक जगह जाए, किसी स्टूडेंट को अगर कोई दिक्कत हो तो वहाँ चला जाए, वो उसको गाइड कर देंगे कि ऐसे सिविल सर्विस में जाना है, ऐसे चले जाना है। जब हम पढ़ते थे एक मैं कभी यूपीएससी बाबू की तैयारी मैंने नहीं की, फॉर्म भी नहीं भरा और न तैयारी करवाता हूँ। मेरी समझ ये है जितने ब्राइटेस्ट स्टूडेंट हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड्स उसको यूपीएससी नहीं देना चाहिए, उसको कुछ और काम करना चाहिए, क्योंकि 70 साल का जो एक्सपीरियंस है ना बड़ा डिफरेंट तरह का है। सारे जितने जो माइंड एक बढ़िया इकोनॉमिस्ट बन सकता था, अमर्त सेन बन सकता था, छोटे से लालच में अपना करियर बर्बाद करता है, कोई क्रिटिक डेवलप नहीं। हमारे लोग बहुत तारीफ करते हैं कि यार रतन लाल जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मैं अपना टाइम खराब कर रहा हूँ। एज ए एकेडमिशियन अगर मैं बैठ के एक आर्टिकल लिखता और किसी प्रिंट में छपता या टाइम्स ऑफ इंडिया में छपता तो लाखों लोग पढ़ता। मैं घर बैठ के एक वीडियो बनाता हूँ, 4 घंटे लगते हैं पढ़ने समझने में, हजारों लोग सुनते हैं। हमारे जैसे लोगों को हर शनिवार रविवार कोई छुट्टी नहीं है, आके 40 मिनट बोलने के लिए 3 दिन बर्बाद होता है। ये सब मैं समझता हूँ कि वेस्टेज ऑफ एनर्जी है, कि क्योंकि समाज ने तैयारी ही नहीं की है कोई। जैसे घोड़े को बांध दीजिए एक रस्सी से, आप प्लास्टिक के चेयर में बांध दीजिए तो घोड़ा उसी में बंधा हुआ गुलामी महसूस करता है। इस समाज की कोई तैयारी नहीं है, पूरा समाज मैं कह रहा हूँ और बहुत ही पेन के साथ कह रहा हूँ। बाबू बनने में और नेता बनने में जो अभी एजेंडा सब आ रहा है, ये अशोक भारती जी का काम नहीं है। इकोनॉमिस्ट होने चाहिए थे, सोशियोलॉजिस्ट होने चाहिए थे। 1,13,000 प्रोफेसर कहाँ है? दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतने रिसर्चर होंगे, 3-4 हजार प्रोफेसर होंगे, किसी का नाम भी आप नहीं जानते होंगे। प्रोफेसर का काम, बच्चा कुछ पूछ रहा था गांव में जाकर पढ़ाना नहीं, प्रोफेसर का काम रिसर्च करना है, क्लासरूम लेना है, अपने अपने सब्जेक्ट में एफिशिएंट बनना है। डॉक्टर अम्बेडकर जितना बाहर जाते थे उससे ज्यादा किताब में वो शामिल होते। मेरा कहने का मतलब ये है, और ये हर रोज मीटिंग कुछ ना कुछ होती है, कल भी एक मीटिंग में था, सारे आंकड़े हैं, सब कुछ है। एट दिस जंक्चर मुझे लगता है कि दलितों को पॉलिटिकल पार्टी भंग कर देना चाहिए। सिपाही थोड़ी तैयार करना है, सेनापति तैयार करना है, अभी सेनापति नहीं है, सिपाही तो राजवंश पड़ जाता है। दैट इज इन द चैलेंज नाउ एज अंबेडकर, व्हाट इज आवर एजेंडा? वी आर पार्ट ऑफ द सम्मिलित भारत एंड आल्सो वी हैव ए एजेंडा ऑफ बाबा साहब की विरुद्ध प्रबुद्ध भारत। दीस आर द आवर एजेंडा, वी आर पार्ट इन द सम्मिलित भारत एंड आल्सो वी आर द पार्ट ऑफ वी हैव आज दलित गोलमेज सम्मेलन दिल्ली में हुआ है, और गोलमेज सम्मेलन के जो आयोजक करता है नैकडोर के कन्वेयर माने अशोक भारती जी मेरे साथ हैं। भारती जी, किस तरह का कार्यक्रम है और क्यों जरूरत पड़ी दलित गोलमेज सम्मेलन की? देखिए, आपको पता ही है मनोज कि हमारा देश में बड़े पैमाने पे परिवर्तन हो रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन है, आर्थिक परिवर्तन है, राजनीतिक परिवर्तन है, सांस्कृतिक परिवर्तन है, और मैं ये देख रहा हूँ नेकडोर ये अनुभव कर रहा है कि हमारे समाज के अधिकतर लोग राजनीति को छोड़ के बाकी परिवर्तनों की बात नहीं कर। जी जी, ठीक है। अब जैसे कि संस्कृति, जब सांस्कृतिक परिवर्तन में ये एक तरह से हिंदुत्व के उबाल का दौर है, जहां भारत के प्रधानमंत्री भी जो है धार्मिक नारे लगा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में हमें ये सोचना है कि हमारे समाज को क्या रणनीति अपनानी है। और ये जो राउंड टेबल है ये इस बात के लिए है कि हमारे पास वो कौन से रास्ते हों, हमारे पास वो कौन से मैकेनिज्म हों जिससे कि हम लोग अपने समाज के विकास के रास्ते खोज सकें। मैं ये भी देखता हूँ, नेकडोर के अध्यक्ष के नाते मैं पूरे देश में जाता हूँ और दुनिया में भी जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि हमारे लोग ज्यादातर जो है उनके दिल में जो जो कचोट है
जो तड़प है वो बहुत अच्छी बात है, तड़प होनी चाहिए, लेकिन वो तड़प जो है डॉक्टर अंबेडकर की जो तड़प थी उसने हमारे समाज के विकास के लिए रास्ता बनाया, लेकिन हमारे जो मौजूदा लोगों के दिल में तड़प है वो समाज के विकास के लिए रास्ता नहीं बना पा रही। तो ये राउंड टेबल जो समाज के लोगों के दिल में तड़प है उस तड़प को हमारे सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास का रास्ता बना। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में 1931 में डॉक्टर अंबेडकर ने अंग्रेजों का शासन हिलाया, उसके लगभग 90 साल हो चुके हैं, 90 साल बाद फिर एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। किस तरह से जैसे डॉक्टर अंबेडकर अधिकारों को खींचकर लाए थे और उन्हीं अधिकारों को बचाने की जद्दोजहद दलित समाज कर रहा है, किस तरह का प्रभाव पड़ पाएगा या आप कामयाब हो पाएंगे आज के गोलमेज सम्मेलन से? मैं समझता हूँ कि हमारा काम अपनी कामयाबी नहीं देखना है, हमारा काम है कि हम अपने समाज के लिए अपना काम करें। और मैं समझता हूं कि इस राउंड टेबल से गोलमेज सम्मेलन से जरूर ऐसे रास्ते निकलेंगे कि हमारा समाज इस राउंड टेबल से ज्यादा मजबूत होकर निकलेगा, वो ऐसे रास्ते खोज लेगा जो रास्ते आज की जो चुनौतियां हैं उनका जवाब दे सके। हमने नेटवर्क के कार्यक्रम देखे, आपने कई बार दिल्ली का रामलीला ग्राउंड भरा है, बड़े बड़े मैदानों को आपने भरा है, तो क्या इस बार पुनः एक बार आंदोलन की आप तैयारी कर रहे हैं? मैं तो देखो, मैंने तो जब 2007 में भारत सरकार की इंजीनियरिंग सर्विस से रिजाइन किया था तब से मैं आंदोलन में हूँ, और हमारे लिए आंदोलन कोई एक मुकाम नहीं है बल्कि आंदोलन हमारे लिए एक सतत प्रक्रिया है। और ये जरूर होता है कि कई बार हम लोग जुटाते हैं और कई बार हम लोग दिमाग जुटाते हैं, कई बार हम लोग साधन जुटाते हैं, कई बार हम सड़कों पे उतरते हैं, कई बार कानून की लड़ाई लड़ते हैं, कई बार सरकार से लड़ाई लड़ते हैं। तो ये निर्भर करता है कि आज हमारी परिस्थितियां किस बात का जवाब देती हैं, तो हम उन परिस्थितियों से हम, मुझे लगता है, पर हम लोग इस रास्ते से जरूर निकलेंगे। और मैं ये यकीन करता हूं कि इतने सारे लोग जो आए हैं अलग अलग राज्यों से आए हैं, अपना पैसा देकर आए, अपना खर्चा करके आए हैं, और मैं समझता हूं कि जब लोगों में इतनी तड़प है तो अपना रास्ता जरूर निकाल। मुख्य केंद्र बिंदु क्या सवाल था आज का? आज का सवाल ये है कि हम अपना भविष्य बनाने के लिए, दलितों का भविष्य बनाने के लिए वो कौन से रास्ते और वो कौन से मैकेनिज्म अख्तियार करें जिससे हम लोग अपने भविष्य का निर्माण कर सके। दलितों की दशा और दिशा को सुधारने के लिए आज ये ऐतिहासिक सम्मेलन दिल्ली में किया गया जिसमें सैकड़ों संगठन पूरे देश से एकत्र हुए और दलितों की दशा और दिशा के ऊपर विचार विमर्श हुआ। क्या विचार विमर्श के निष्कर्ष निकलेंगे वो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जिस तरह से लगातार दलितों की जो संगठन है वो काम करें उससे लगता है कि एक बड़ा परिवर्तन हमें आने वाले भविष्य में देखने को मिल सकता है। एक बात बताना चाहता हूँ, इस सम्मेलन में अभी हमने जनता नहीं बुलाई है जी, हमने रोका है लोगों को आने से, हमने उनको कहा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए पहले, आप कंफर्म करो कि आप आएंगे तभी आपके लिए रास्ता खुला है। मैं समझता हूं कि, और हमारा ये जानबूझकर ये डिसीजन था कि हम कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं करना चाहते थे, और मैं समझता हूं कि हमारे लोगों में जो तड़प है वो रास्ता निकाल लेंगे, और इसलिए जो है छोटी सी राउंड टेबल है, कोई इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन इसका हल्ला बहुत छोटी सी कहाँ है, पूरा विशाल, मतलब एक कुर्सी खाली नहीं है